बागमारा केंद्र सरकार की मजदूर विरोधी नीति के खिलाफ कोल कर्मियों ने संयुक्त मोर्चा के बैनर तले बुधवार की शाम मशाल जुलूस निकालकर केंद्र सरकार के इस नीति का विरोध करते हुए आहूत 3 दिवसीय आंदोलन को सफल बनाने का संकल्प लिया। यूनियन नेता राजेंद्र प्रसाद राजा तथा विमलेश चौबे ने कहा कि सरकार ऐसे समय में कोल उद्योग को निजी हाथों में बेच रही है जब पूरा देश कोरोना से जूझ रहा है। कहा, कोल उद्योग को राष्ट्रीयकरण करने का काम कांग्रेस की सरकार ने किया, लेकिन केंद्र की सरकार कोल उद्योग को निजी हाथों में बेच रही है। इस नीति का विरोध कर्मी जोरदार ढंग से कर रही है। कहा, पांचों यूनियन का बिना विश्वास में लिए मजदूर विरोधी नीति लागू करना न्याय संगत नहीं है। इसका नरेंद्र मोदी जी का सरकार ने हठात बिना ट्रेड यूनियन और मजदूरों को विश्वास में लिए, बिना देश को विश्वास में लिया, अपने सांसदों को विश्वास में नहीं लिया, लोकसभा में किसी तरह का बात नहीं की, बहस नहीं की, और उन्होंने हठात कमर्शियल माइनिंग का प्रस्ताव लॉन्च कर दिया और घोषणा भी कर दिया कि अगस्त महीना से उसका आपका टेंडर वगैरह का जो प्रक्रिया है वो होगा। हम मजदूरों ने 18 तारीख को, विगत 18 जून को, इसके विरोध में देश के 5 जो केंद्रीय ट्रेड यूनियन है, उसके अंदर में सारे ट्रेड यूनियन है, सभी ने मिलकर एक साथ संयुक्त रूप से हड़ताल का नोटिस दिया है और हम लोग 2 से लेकर 4 तारीख तक 3 दिन का महा हड़ताल कोयला उद्योग में करने जा रहे हैं। और इस हड़ताल में हम लोगों ने निवेदन किया प्रदर्शन के माध्यम से, तैयारी के माध्यम से, मशाल जुलूस के माध्यम से, आम जनता से, सभी मजदूरों से, प्रेस बंधुओं से, बुद्धिजीवियों से, सारे लोगों से अनुरोध किया कि हम लोग कमर्शियल माइनिंग के विरोध में है, सार्वजनिक उद्योग को बचाने के लिए है, देश का संपत्ति बचाने के लिए है, इसीलिए आप लोग सभी का सहयोग जरूरी है और इसी क्रम में कल का हड़ताल सफल हो, उसको सफलता के पूर्व तैयारी जो हम लोगों का करना है, इसलिए कभी पीठ में घूम घूम के मजदूरों के कॉलोनी में घूम के हम लोगों ने मशाल लेकर अपना एक अलग जगाया है, लोग आए और कल हम लोग हड़ताल सफल करेंगे। सरकार के पीछे मंशा क्या लगती है इसको करने की? जबकि विरोध लगातार चल रही है, जून कमर्शियल माइनिंग के विरोध में हम लोग एक दिन का हड़ताल भी किए थे, हम लोग का प्रोटेस्ट भी हुआ, बराबर लगातार चल रहा है, लेकिन सरकार का सीधा सीधा मंशा है कि हम जो सार्वजनिक उद्योग हमारा है, जो पब्लिक सेक्टर है, इसको बड़ी मेहनत से 1971 और 1973 में श्रीमती इंदिरा गांधी, कुमार मंगलम और उस समय का देश के लोग, हमारे नेतागणों ने, हमारे पूर्वजों ने एक राष्ट्रीयकरण करके एक उद्योग बना के दिया था जो देश का संपत्ति है, कोयला देश का संपत्ति है, और इसको ये लोग निजी हाथों में देने का मंशा है सरकार का कि हम निजी हाथों में बेचेंगे। और 41 कोल ब्लॉक, जो अच्छा ब्लॉक, सरकार ने घोषणा कर दिया कि हम निजी हाथों में देंगे। और कमर्शियल माइनिंग में क्या है, आज तक जिस दिन से हम लोग का राष्ट्रीयकरण हुआ, कोयला बेचने का राइट सिर्फ कोल इंडिया को है। कोयला कोई भी उत्पादन कर सकता है, लेकिन बेचेगा कोल इंडिया, इसका मालिक है, इसका मालिकाना हक कोल इंडिया है, देश है, कोयला का मालिक देश है। अब ये लोग कोयला का मालिक निजी मालिक को बना रहा है, निजी हाथों में दे रहा है, ताकि निजी मालिक जहां भी कोयला खोदाई करेगा और खोदने के बाद स्वयं अपना रेट तय करके बेचेगा और सरकार को कुछ टैक्स वैक्स दे देगा। हड़ताल कितना सफल रहेगा कल? हड़ताल पूर्ण सफल होने की संभावना है और पूरा होगा, जिस तरह का तैयारी चल रहा है पूरा देश में, हड़ताल भी सफल है, आम नागरिक भी हम लोग को मदद कर रहा है। आप लोग से भी निवेदन है, आप लोग भी सहयोग करें और हड़ताल को आगे बढ़े ताकि देश का सार्वजनिक उद्योग बचे, देश का संपत्ति बचे, देश का संपत्ति बचाने के लिए आज मजदूर लड़ रहा है।